असलम भैया, आज हम आपको प्रिसेंट 37 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अपडेट्स देने जा रहे हैं। एफल टावर प्रिसेंट 37 में है, इसके बिल्कुल सामने स्टेडियम बन रहा है, जिना एवेन्यू को फेस करता है और ये एक ज़बरदस्त प्रिसेंट है। इसमें पूरा का पूरा प्रिसेंट ये हिल पे था और इसकी हिल कटिंग करके इसमें कुछ डिवेलपमेंट हुई है, कुछ अभी पेंडिंग है। ये सारे डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये अभी आपके सामने हिल टॉप पे आपको एफल टावर नज़र आएगा। एफल टावर की लोकेशन भी बहुत अच्छी, एक एंटरटेनमेंट बनाई गई है, बहुत एक विजिटिंग अच्छी ज़बरदस्त विजिटिंग प्लेस बनाई गई है। और इसके बाद जो इसका रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे कोई अराउंड 30% एरिया को डेवलप कर दिया गया है, बाकी अराउंड कोई 60-70% एरिया उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है। चूँकि ये सारा हिल का एरिया है तो इसको पूरे को हिल काट के यहाँ पे लेवल करके उसके बाद डेवलपमेंट होती है, रोड बनता है, सीवरेज बनता है, इसलिए कि ये लेंथी काम है और इसके ऊपर टाइम भी लगा है काफ़ी। जो डेवलपमेंट हुई है और बाकी जो काम पेंडिंग है उस पर भी काफ़ी टाइम लग रहा है और उस पर लेकिन बैरियट ऑन फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। रोड की इस तरफ जनाब की इस तरफ प्रेशन 37, 38 और 39 पुराने नक्शे के मुताबिक जो स्पोर्ट सिटी का था, और 37 में 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, और 38 और 39 में 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स थे सारे एज़ पर ओल्ड मैप जो है। और ये स्पोर्ट सिटी में अच्छे प्रेशंस में इनका नाम है। और ज़ाहिर है चूँकि 37 इस वक्त डिवेल्प काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है और जो एरिया डिवेल्प है वो कम्प्लीट है, पोजेशन के लिए भी रेडी है और एफल टावर भी यहाँ पे है, सामने स्पोर्ट सिटी के विलास भी हैं, तो इसकी लोकेशन शायद सबसे अच्छी है। और इसमें हाइट्स का एरिया भी आता है, रोड लेवल का एरिया भी आता है। ये आप देखिएगा, ये आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये एफल टावर के बिल्कुल साथ निचले स्पेस पे है। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं 1 से लेके अराउंड 12 तक स्ट्रीट्स जो हैं वो कम्प्लीट हो चुकी हैं, और 13 से ऑनवर्ड अराउंड 39 स्ट्रीट्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है, वहाँ पर अभी काम हो रहा है। ये आप सामने देखिएगा, प्रिसन 34 है इसके सामने, ये पूरा रोटेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो अगेन ये एफल टावर, ये अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स प्रिसेंट 26 ए। ये जिना एवेन्यू के साथ साथ ये सारी एज पर मैप यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। आगे थोड़ा सा जाते हैं तो प्रिसेंट 2, 2A, 2B वो डेवलप हो चुके हैं, अब प्रिसेंट 1 और 1B पे काम इस वक्त हो रहा है। ये स्ट्रीट्स हैं जो अभी आप थोड़ा आगे जाते हैं आपको दिखाते हैं, तो ये एरिया डेवलप हो चुका है और यहाँ की प्राइसेस कंपेरेटिवली अभी भी बहुत रिजनेबल है। अगर 500 स्क्वायर यार्ड की हम लोग बात करते हैं तो अराउंड 70-80 लाख में एक अच्छा रिजनेबल प्लाट मिल जाता है। इसी तरह 1000 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो ये अराउंड कोई 1 करोड़ में एक अच्छा रिजनेबल प्लाट मिल जाता है। तो बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइसेज हैं इस वक्त, और फ्यूचर डेफिनेटली इनका भी बहुत अच्छा है। लोकेशन के लिहाज से देखें, जिना एवेन्यू के बिल्कुल साथ है, एफल टावर को देखें, स्टेडियम को देखें, सामने स्पोर्ट सिटी विलास को देखें, और इस पूरे एरिया में जो मूवमेंट है, जो अलाइव हो रहा है, सारे को कंपैरिजन में देखें तो फ्यूचर इन प्लॉट्स का भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर ये एरिया वो है जो डेवलप हो चुका है, जिस एरिया में भी डेवलपमेंट होनी है डेफिनेटली वो डेवलप होने के बाद उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज आएगी, बट ये है कि इसकी डेवलप्ड एरिया जो है मैं समझता हूँ कि आज भी ये एक अच्छा एरिया है। क्योंकि 26A में जो बिल्कुल साथ है इसके लगता है वहाँ पर बैरियटॉन के हेड ऑफिस के कुछ डिपार्टमेंट भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो मतलब इस एरिया में लाइव जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। ये देखिए, ये भी 37 का एरिया है जो आपको स्ट्रीट्स बनी हुई नज़र आ रही, ये बिल्कुल डेवलप हो चुकी हैं। स्ट्रीट गलवन 2 और 2A और 2B हैं ये जो सामने आपको नज़र आ रही। जो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ जिस पर अभी काम हो रहा है वो प्रिसेंट 38 और 39 के साथ लगता है हाइट का एरिया, तो उस एरिया में अभी चूँकि हिल कटिंग का काम है वो उस पर काम हो रहा है और उसकी डेवलपमेंट जो है अभी अंडर प्रोग्रेस है। जब वो भी कंप्लीट हो जाती है तो 37 कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रेसेंट। और लोकेशन चूँकि इससे 38 और 39 और इसी तरह के प्रेसेंट 62, 63 और फिर बहरिया ग्रीन इससे आगे है, तो इस वजह से भी इस एरिया की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बहरिया इससे आगे बहुत आगे जाके 5-6 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर आगे तक की डिवेलपमेंट कर रहे हैं, और ये एरिया आलमोस्ट आप कह सकते हैं स्पोर्ट सिटी और ओल्ड बीटी के बिल्कुल स्टार्ट में आता है, इस लिहाज से इसकी भी वजह से भी इंपॉर्टेंस इसकी बेहतर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया का आपको विजिट कराएं, प्रिसन 37 का आपको आइडिया हो जाए कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसके लेफ्ट राइट में क्या है, और इंशाल्लाह फर्दर इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।